टेट पारा शिक्षक पिछले 6 दिनों से राजभवन के समीप धरने पर बैठे हैं। इनमें से 6 लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं। पिछले 6 दिनों से भूखे प्यासे आमरण अनशन पर बैठे टेट पास पारा शिक्षकों में से एक पारा शिक्षक की तबियत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद धरने पर बैठे उनके साथियों द्वारा उनकी सूचना स्वास्थ्य विभाग को दी गई। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि वेतनमान की मांग को लेकर टेट पास पारा शिक्षकों का आंदोलन पिछले कई दिनों से चल रहा है। बीते दिनों मानसून सत्र के दौरान भी झारखंड विधानसभा के सामने ये लोग आमरण अनशन पर बैठे थे, लेकिन सरकार ने इनकी एक नहीं सुनी। टेट पास पारा शिक्षकों ने एक बार फिर से सरकार पर ठगने का आरोप लगाते हुए आने वाले समय में आंदोलन तेज करने की धमकी दी है। के नियम के अनुसार से 2013 में एक बार झारखंड टेट का एग्जाम हुआ था और दूसरी बार 2016 में एग्जाम हुआ था, ठीक है। आप देखेंगे कि पहले जो था वो डायरेक्ट सीधी नियुक्ति थी। आज सरकार ये कह रही है कि हम सहायक आचार्य के पद से आपको बहाल करेंगे और उसमें एक शर्त भी है कि आपको 10 साल सेवा करना होगा, फिर आपको सहायक शिक्षक बनाया जाएगा। आप देख रहे हैं कि 10 से 20 साल ऑलरेडी ये लोग काम कर चुके हैं, अब फिर इनको 10 साल और सेवा देना होगा, तब इनको सहायक शिक्षक के पद पर इनको वेतनमान दिया जाएगा। सरकार जो है सहायक आचार्य के पास इनको वेतनमान घटा चुकी है। जो वेतनमान 4600 था उसको आज 2800 कर दिया गया है, जो वेतनमान 4200 था उसको आज 2400 कर दिया गया है। तो ये वेतनमान का जो घटाया गया है और सहायक आचार्य का पद जो लाया गया है और सहायक शिक्षा का पद को ख़त्म कर दिया गया है विज्ञापन में। मेरा ये कहना सरकार से, जिस तरह से पहले जो सीधी नियुक्ति होती थी वही प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। अब संख्यक की बात करें वहाँ भी वही प्रक्रिया अपनाया गया है, बिहार की बात करें वहाँ भी वही तर्ज है। तो देखना यही है कि जो सहायक शिक्षक ऑलरेडी 20 साल से सेवा दे रहे हैं तो फिर उनको क्यों ये कहा जाता है कि आपको फिर 10 साल सेवा देना होगा तब आपको सहायक शिक्षक बनाया जाएगा। और आज जो विज्ञापन निकाला 50% जब आरक्षण है सहायक पारा टीचर के लिए, तो फिर उनको सीधी नियुक्ति करनी चाहिए था। तो ये एक विषय है, बहुत बड़ा विषय है। तो मेरा ये कहना है कि सरकार से कि आनन फान में जो विज्ञापन लाए सरकार, 50,000 की जो विज्ञापन लाने वाली थी उसको 2 चरणों में लाना चाह रही है। पहला चरण आ चुका है, उसमें 50% पारा टीचर के लिए रिजर्व रख दिया गया है, लेकिन इनका सरकार का ये कहना है कि आपको मुख्य परीक्षा में शामिल होना होगा और वैसे विद्यार्थी शामिल होंगे जो झारखंड टेट उत्तीर्ण होंगे, उसमें से 50% पारा टीचर को दिया गया। उसके बाद पारा शिक्षकों ने राजभवन के सामने आमरण अनशन करने का फैसला लिया और 6 दिन पहले से वहीं जम गए। इन्हीं में से एक पारा शिक्षक की तबीयत बिगड़ गई और आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। पारा शिक्षकों का कहना है कि सरकार इनके साथ वादा खिलाफी कर रही है। धरने पर बैठे टेट पास पारा शिक्षकों का यह भी कहना है कि जब तक सरकार इनकी बातों को मान नहीं लेती है तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा।